गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 10 प्ले विद पैटर्न्स, और इसी में आज हम सीखने वाले हैं सीक्रेट वर्ड्स एंड मैसेजेस। यानी कि आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं, कुछ सीक्रेट वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सीक्रेट वर्ड्स हम बना सकते हैं, या सीक्रेट तरीके से लिखे गए वर्ड्स को हम डिकोड कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों आपको जो हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं ना उनके नंबर्स जानना ज़रूरी है। जो हर लेटर के लिए एक फ़िक्स नंबर होता है, जैसे हमारे जो मंथ होते हैं, जैसे जनवरी के लिए हमारे पास फ़िक्स नंबर क्या होता है 1, फरवरी के लिए हमारे पास फ़िक्स नंबर होता है 2, मार्च के लिए क्या होता है 3। तो इसी तरीके से हमारे जो ये लेटर्स होते हैं इनके लिए भी फ़िक्स नंबर होता है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, जी के लिए एच। जिस तरीके से ये हमारे लेटर्स एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं ना, इसी तरीके से हमारे ये नंबर्स भी सीक्वेंस में चलते जाते हैं। इसी तरीके से देखेंगे आप, ये सब लेटर्स के लिए फिक्स नंबर होता है, ठीक है। के के लिए 11, 12, एल के लिए, एम के लिए 13, इस तरीके से एंड में जेड के लिए 26। तो इन सब को आपको अपना लिखना है अपनी कॉपी में और लर्न भी करना है, या आप एक सीक्वेंस में सीरीज में भी लर्न कर सकते हैं। अब इसके थ्रू हम कैसे अपने जो ये वर्ड है ना, देखिए ये हमारे पास क्या वर्ड है, एक DOG डॉग, इसको हम सीक्रेट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो डी के लिए जो नंबर होता है वो हम लिखेंगे, इसी तरीके से ओ के लिए जो फिक्स नंबर है वो लिखेंगे, और जी के लिए जो फिक्स नंबर है वो हम लिखेंगे। तो डी के लिए फिक्स नंबर कौन सा होता है 4, आप इसे चेक करेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो डी के लिए कौन सा नंबर होता है 4, ओ के लिए कौन सा होता है 15, और जी के लिए कौन सा होता है 7। तो हमारा एक सीक्रेट नंबर अब ये बन गया है 4, 15 एंड 7, ठीक है। इसी तरीके से अब नीचे सेकंड देखिए, प्लीज़, ये क्या लिखा हुआ है प्लीज़, अब इसको आप कैसे सीक्रेट तरीके से लिखेंगे। पी के लिए कौन सा नंबर होता है 16, आप पीछे से चेक भी कर सकते हैं, पी के लिए 16, एल के लिए 12, ई के लिए 5, ए के लिए 1, है ना, ए तो शुरू में ही आ जाता है तो 1, इसी तरीके से एस के लिए 19 और ई के लिए फिर 5। तो ये हो गया हमारा 16, 12, 5, 1, 19 एंड 5, ये हमारा हो गया सीक्रेट वर्ड। अब देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, थर्ड में अब आपको ये जो सीक्रेट जो ये वर्ड है ना, इसको देखिए नंबर्स में दिया हुआ है, अब हमें इसे डिकोड करना है, यानी कि हमें पता लगाना है कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। तो 8 किसके लिए लिखते हैं हम, एच के लिए, 8 हम लिखेंगे एच के लिए, और 5 लिखते हैं हम ई के लिए, 12 लिखते हैं एल के लिए, और 16 हम लिखते हैं पी के लिए। तो हमारा जो ये वर्ड है क्या बना, हेल्प, एच ई एल पी, हेल्प हमारा वर्ड बन गया। इसी तरीके से आपको भी अब इन कुछ ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनको आपको सीक्रेट नंबर्स में लिखना है, ठीक है, ये 5 हैं, और इसी तरीके से इन सीक्रेट नंबर्स को अब आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे। और देखिए जो ये आप सेकंड में देख रहे हैं ना, ये नीचे 18 लिखा हुआ है, ये एक सीक्वेंस ही चल रहा है, 15, 18, 4, 5 एंड 18, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में है, आपको इससे वर्ड बनाना है। ओके, गुड लक।